तो दिल्ली की लवकुश रामलीला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 4 दशक से भी पुराना इसका इतिहास है और अमूमन जो है बड़े नेता यहाँ पर पहुंचते रहे हैं, बड़े स्टार इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। तो ये हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी वजह से आप नहीं पहुंच पाए हैं और आप जानते हैं कि और ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला होता है खासतौर से दिल्ली में इस दिन, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, तो उस सूरत में भी हम आपकी जो है कमी पूरी कर रहे हैं। और आप तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई हैं, रावण दहन हो गया, अब अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जगहों पर सभी ने तैयारियां की थी और आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल यूं भी बहुत ज़्यादा नीरस से थे, थोड़े उदास से थे त्योहारों को लेकर। तो इस बार लोग खासा उत्साहित हैं। एक तस्वीर आपको अमृतसर से नजर आ रही है जहां पर रावण दहन हो चुका है और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की लवकुश रामलीला की। और आखिरी संवाद कुछ देर बाद रावण दहन होना है और जो भी तरुण जानकारी दे रहे थे अगले साल तो ये और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि राम का किरदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निभाएंगे। तो उत्सुकता है, इसके लिए तो इंतजार करते हैं अगले साल का, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो आप जरूर देखिए। एक तस्वीर अमृतसर से, दूसरी तस्वीर दिल्ली की लवकुश रामलीला का हम जिक्र कर रहे हैं। इसका इतिहास जो शुरू में हमने जिक्र किया बड़ा दिलचस्प है। और देखिए न सिर्फ अभी आज़ादी के बाद से मुगल काल का भी जिक्र होता है और वहाँ पर भी, अब जैसे अगर आप औरंगजेब का शासन देखेंगे तो औरंगजेब क्योंकि बहुत क्रूर शासक माना गया है, उदार नहीं था, लेकिन अगर आप आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देखेंगे तो माना जाता है कि वो थोड़े उदार थे और वो ख़ास तौर से इसका आयोजन कराया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन का जब जिक्र आता है वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर रामलीला होती रही, लोग इतने ज़्यादा इसकी मांग करते थे। तो देश भर में रामलीला के जरिए भगवान श्री राम को जानने और समझने की परंपरा सदियों पहले जो शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। और इस बार तो रावण को लेकर आपने देखा भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली के रामलीला का रोचक इतिहास है ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए, और कोई बहुत बेहतरीन संवाद होगा तो वो भी हम आपको सुनाएंगे ताकि आपके ना जाने की कमी जो है वो जरूर यहाँ पर पूरी हो जाए। तो ये लवकुश रामलीला आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल अंतिम आप ये समझिए कि कुछ आखिर के सीन है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद रावण दहन हो जाएगा। तो ये आप संभवतः वो जो युद्ध है वो होता है उसका ही दृश्य देख पा रहे हैं। और अगर हम लवकुश रामलीला की बात करें तो तकरीबन 50 साल से पुराना इसका इतिहास है और ये दिल्ली की बड़ी रामलीलाओं में शुमार है। अगर 1979 की बात करें तो लाल किला मैदान में शुरू हुई थी लवकुश रामलीला और कांग्रेस के पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के जो बता रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी हमारे मेहमान हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, पंच से पीछे। ओ,